एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कलानेरी में। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मोर पंख प्लांट होता है जिसे हम तुलसा भी कहते हैं। और ये आपने देखा होगा कि लगता एक जैसा है बट दो तीन तरह के ये आते हैं। तो एक तो जो कॉमन है जो कि हम गार्डन में भी लगाते हैं और उसको पॉट में भी लगा सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर का आता है और थोड़ा सा उसमें लाइट कलर होता है, नियॉन टाइप का कलर एक वो आता है, और एक थोड़ा बारीक पत्तों का होता है जो कि सीधा उसकी शेप होती है, बिल्कुल ऊंचाई पे जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो इस कॉमन मोर पंख प्लांट से थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी प्रोपेगेशन, इसकी सॉइल हम कैसी लें, किस तरह इसको प्रोपेगेट करें और कैसी इसको खाद वगैरह चाहिए। और मैं इसकी जो कटिंग्स हैं, मैंने गार्डन में आज मेरे सफाई करवाई थी, थोड़ी कटिंग्स करवाई थी। तो गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप और गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं, जिससे कि प्लांट्स हमारे मुरझा जाते हैं, पत्ते जल जाते हैं, बर्न हो जाती हैं शाखाएं, लेकिन एक दो बारिश होते ही वो वापस से ग्रो हो जाते हैं, पत्तियाँ उसकी हरी हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे गार्डनर ये आए हुए हैं और सफाई कर रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ी कटिंग कराई है मोर पंख की, बहुत बड़े टेढ़े मेढ़े हो गए थे। तो अब देखिए इनका कलर देखिए, धूप की वजह से ऐसा हो रहा है, एक दो बारिश होते ही और ये वापस से ग्रीन हो जाएंगे, एकदम हरे हो जाएंगे। और अभी कटिंग हुई है तो ऐसे रूखे सूखे से लग रहे हैं, दो चार एक हफ्ते के अंदर अंदर में ये वापस से अच्छी शेप ले लेगा। तो आज हम इसकी जो मैंने कटिंग्स ये ली है, इसकी मैं आपको ग्रो करके भी आगे दिखाऊंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी ग्रोथिंग कौन से महीने में होती है और इसका बीज वगैरह कब बनता है, तो इस पे बारे में बात करेंगे। तो इसका ग्रोथिंग पीरियड होता है बारिश में, तो सभी पौधों का ग्रोथिंग टाइम होता है, बट इसका होता है फरवरी के बाद में, और मार्च अप्रैल से ही इसमें बीज बनना शुरू हो जाता है। जब बीज बनता है तो उसका कलर ग्रीन कलर का होता है, तब वो थोड़ा बड़ा होता जाता है तो उसका थोड़ा ब्राउन हो जाता है, और पूरा पकने पर ब्राउन से थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या कह लीजिए कि ब्लैक कलर का बीज बन जाता है और वो फट जाता है। उसमें से ये छोटे छोटे से काले रंग के बीज निकलते हैं, तो उनसे भी हम इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इस पौधे को अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो ये धूप बर्दाश्त कर लेता है, और अगर पॉट में लगाया है तो तेज़ धूप में इसको ना रखें, शेड में रखें, सेमी शेड में रखें गर्मियों में, और बहुत ज़्यादा इसमें पानी जड़ों में ना रुके तो ये नष्ट हो जाएगा, इसकी जड़ें गल जाएगी। तो इसमें पानी हम गार्डन में है तब तो मिट्टी अब्सॉर्ब नीचे कर लेती है, लेकिन अगर पॉट में है तो आपको पानी ऐसा देना होगा जब इसको ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, बिल्कुल बराबर बैलेंस का पानी देना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा फैलाव नहीं करती हैं जैसे बोगनवेलिया वगैरह की, जड़ें काफ़ी डीप हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं, बट इस प्लांट की जड़ें, पेड़ बड़ा होता जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में, काफ़ी लंबाई चौड़ाई में इसकी जड़ें नहीं बढ़ती हैं। तो इसमें पॉट में थोड़ा ध्यान से पानी दें, इसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा रखें, पानी यानी कि रुके नहीं, और शेड का मैंने बता ही दिया है। और इसके जब जो ये फल हैं, जो बीज बनते हैं, ये फरवरी मार्च से बनना शुरू होते हैं और पकते हैं जब सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस मंथ में जाकर के इसका बीज बनता है, अपने आप गिर जाता है। तो मैंने इसका एक वीडियो भी आपको सर्दियों के जो फ्लावर्स उनके बीज दिखाए थे गुलदावरी वगैरह के, उस वीडियो में भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो जाकर के, उसमें इसका बीज कैसा होता है और सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाकर के इसका जो ब्लैक कलर का अंदर से सीड निकलता है वो तब बनता है, और बनना शुरू होता है फरवरी मार्च से, इतना लंबा प्रोसीजर इसका बीज बनने का होता है। तो मेरा कटिंग का वीडियो आगे आप देखिएगा। और इसकी सॉइल की हम बात करें तो गार्डन सॉइल ले लीजिए, बराबर की हम बजरी ले लेंगे, थोड़ी सी कोकोपीट और नीम खली में इसको लगा देंगे। हमारे यहाँ कोकोपीट बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो थोड़ी सी कोकोपीट मिलाने से थोड़ा मिट्टी में और गमले में थोड़ा ठंडक और मॉइस्चर बना रहता है। मोरपंख प्लांट के लिए कहा जाता है कि इसको विद्या के रूप में भी देखते हैं और ये वास्तु दोष भी दूर करता है। जब भी इसको लगाएं हम तो पेयर में ही लगाएं, पेयर में ज़्यादा अच्छा रहता है और गार्डन की घर की खूबसूरती तो बढ़ाता ही है। अभी जून और जुलाई में हम इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं तो अच्छी ये ग्रोथ पकड़ लेता है प्लांट। और सर्दियों में थोड़ा इसका टाइम रेस्ट का होता है, तब इतनी रहता तो है, प्लांट मरता नहीं है, बट इतनी अच्छी जो ग्रोथ करता है, ग्रीनरी इसमें भर जाती है, वो सर्दियों में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसमें कीड़ा ना के बराबर लगता है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। फिर भी आप नीम ऑयल का इसमें स्प्रे कर सकते हैं या बॉईल करके नीम की पत्तियों को उसका स्प्रे कर सकते हैं। वो पानी डाइल्यूट करके बराबर मात्रा में पानी मिला करके वो दे सकते हैं। सभी प्लांट के लिए वो पानी, नीम का पानी अच्छा होता है और नीम खली का इसमें प्रयोग करें तो इनको अभी जस्ट मैं नहीं लगा दूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इन कटिंग्स को कट कर करके मैं इसमें पानी में डाल दूंगी ताकि ये सूखे नहीं। और मैं कुछ कटिंग पानी में रखूंगी, कुछ डायरेक्ट मिट्टी में लगाऊंगी, ताकि पानी में मैं देखना चाहती हूँ कि इनकी जड़ें यहाँ से अंकुरित होती हैं, बनती हैं या नहीं बनती हैं। और कुछ कटिंग मिट्टी में लगाऊंगी, तो इनकी कटिंग मैं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम थोड़ा कट कर देंगे, ये हो तो जानी चाहिए क्योंकि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है और इसको पानी में इस तरह डाल दूंगी। अभी तो इतना ही और निकलेगा, ये जो ज़्यादा बड़ी है तो इसको मैं दो कर लूँगी यहाँ से। अभी सिर्फ इनके पत्तों को हटा रही हूँ और पानी में डाल रही हूँ, जब लगाऊंगी तो और पत्तों की छटनी करूंगी मैं इसमें से। अभी पानी में डाल के रख रही हूँ ताकि ये सूखे नहीं और इसमें मॉइस्चर बना रहे टहनी में पूरा। तो पानी में डाल रही हूँ, अभी इसमें मैं पानी थोड़ा और डालूंगी, आधे से ऊपर भरूंगी इसको। तो ये इस तरह मैंने, ये कुछ ऐसी भी मैंने रखी हैं, जान करके रखी है, ये देखना चाहती हूँ मैं कि ये भी ग्रोथ पकड़ती है क्या। इनको छोटे पॉट में किसी में मैं पानी में रखूंगी अभी, तो इन सभी को पानी में डाल देती हूँ। ये देखिए, ये भी अलग से और टहनी निकल गई है। ये देखिए, यहाँ से जो नोड एरिया है, यहाँ टहनी थी मैंने कट कर दी है, नोड एरिया पर से ये नई पत्तियां निकल रही हैं। तो ऐसे जो नोड एरिया है यहीं पर से नए नए फुटाव होते हैं, तो इनको थोड़ा खुरच करके और जैसे हम बोगनवेलिया की करते हैं गुड़हल की, इसी तरीके से मैं इसको लगाने की कोशिश करूंगी। तो आपको कटिंग करके फिर पानी में डाल के दिखाती हूँ। मेरा खाद का भी एक वीडियो आने वाला है जल्द ही, जो मैंने किचन वेस्ट से बनाई थी उसको भी आपके साथ में शेयर करूंगी। मेरी मोरपंख की कटिंग्स को 2 दिन हो गए हैं रखे हुए, आज मैं लगा रही हूँ। तो मैंने ये पॉट तैयार कर लिया है, साधारण मिट्टी है, उसकी बराबर ही मैंने बजरी ली है और एक मुट्ठी करीब इसमें कोकोपीट और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, ये मिक्सचर ही मैंने इसमें डाला है। और अब मैं ले रही हूँ लगाने के लिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। रूट हार्बोन है, रूट विन के नाम से, तो ये थोड़ा सा ये डाल रही हूँ और फंगस ना लगे, क्योंकि बारिश में फंगस लगने का डर होता है। तो आप खाली रूट हार्मोन से पाउडर से भी आप इसमें कटिंग लगा सकते हैं, और मैं ये साफ का फंगिसाइड पाउडर है तो थोड़ा सा ये और इसको दोनों को मिक्सचर कर दूंगी। सभी कटिंग्स को आप 45 डिग्री पर कट कर लीजिए, यानी कि नीचे से जहां आप लगाएंगे तो वहां 45 डिग्री पे तिरछा जस्ट
जो नोड एरिया होता है उसके नीचे से 45 डिग्री पर कट कर लीजिए। मेरा कटर थोड़ा सही नहीं है तो ये थोड़ा सा सही नहीं कटा है। और फिर उस पर आप रूट हार्मोन अच्छे से लगाइए और एक्स्ट्रा रूट हार्मोन पाउडर ऐसे झाड़ दीजिए। तो ये सभी कटिंग्स मैंने लगा करके तैयार कर ली है और अब इनको एक एक करके हम जो होल किया है उसमें हम लगा देंगे। करीब 2 से 2.5-3 इंच तक हम इसको डीप करेंगे, होल के अंदर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैंने गैप रखा है इनमें और हल्के हाथ से ये मिट्टी को दबा देंगे होल के आसपास। मैंने सभी कटिंग्स इसमें लगा दी है और अब मैं क्या करूँगी, ये जो पाउडर है इसमें से आधा पाउडर पानी में घोल करके, वैसे तो मैंने पूरा इसको पानी में भिगो दिया है लेकिन इस फंजीसाइड पाउडर और रूट हार्मोन पाउडर इसमें आधा लेकर के और थोड़े से पानी में मिला करके इसके ऊपर मैं थोड़ा 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 डाल दूँगी, तो वो थोड़ा जड़ों तक जाए इतना पानी मैं डाल दूँगी। नीचे से ड्रेनेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा वो पानी। तो खाली जड़ों तक यानी कि 2.5 से 3 इंच ही वो पानी हमारा जाए, ताकि जिनका भी पाउडर हट गया है अपनी जगह से तो वो इनको जड़ों को लग जाए, इसलिए इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। तो ये इस तरीके से हम सभी कटिंग्स को लगा लेंगे और अब देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इनको लगाने के बाद में मैं इसको शेड में रख दूँगी जहाँ डायरेक्ट धूप नहीं आती हो, हवा और छाया आती हो। वो इसका अपडेट मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस में देती रहूँगी। देखते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश की है तो इसका कैसा रहता है, सफल होते हैं, कितनी लगती है नहीं लगती है। तो ये छोटी सी क्लिपिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।